बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फुट प्रिंटिंग के बारे में। देन आज के इस क्लास में हम जानेंगे फुट प्रिंटिंग क्या होता है, देन कितने टाइप्स से होता है, देन कैसे। बेसिकली आगे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल फुट प्रिंटिंग मींस एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जी गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट प्रिंटिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट बाय द हैकर used to gather information about computer system or a network and about the device। जैसा कि मैं आपको बताया, footprinting hacker के द्वारा use किया जाने वाला सबसे पहला और important method है, जिसका use हर hacker करता है। किसी भी victim के target के बारे में या फिर कोई भी उसका target है उसके बारे में information को collect करने के लिए। अब हम जान लेते हैं types of footprinting। जी guys, फुट प्रिंटिंग के बेसिकली टू टाइप्स हैं। जो पहला है पैसिव फुट प्रिंटिंग, सेकंड में है एक्टिव फुट प्रिंटिंग। बेसिकली अब हम बात करते हैं पैसिव फुट प्रिंटिंग के बारे में। इसमें जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उसे टारगेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग चीजों की हेल्प से जानकारी को इकट्ठा करते हैं। जी गाइस, सपोज मान लीजिए कोई एक पर्सन है, अगर उससे आप जाके पूछते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो या फिर इस कंपनी के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स दो, तो ये सारी चीजें जो भी प्रोसेस है पता करने का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ये ऑल ओवर पैसिव फुट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव फुट प्रिंटिंग के बारे में। एक्टिव फुट प्रिंटिंग, इसमें हैकर को पता होता है टारगेट कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति के पास जाकर कोई कहे कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानकारी दो जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, तो उसी के बारे से जानकारी कलेक्ट करने में जो प्रोसेस है वो एक्टिव फुट प्रिंटिंग के अंदर आता है। बेसिकली ये दो स्टेप्स होते हैं, पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव। ये दो तरीके से फुट प्रिंटिंग होती है। अब हम बात करते हैं गाइस वेरियस स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। गाइस, फुट प्रिंटिंग करने के टाइम बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। लाइक मैं आपको बता दूं, वेबसाइट फुट प्रिंटिंग, ईमेल फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, डीएनएस फुट प्रिंटिंग, नेटवर्क फुट प्रिंटिंग, पीपल सर्च, सोशल नेटवर्किंग फुट प्रिंटिंग। बेसिकली ये बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे आप फुट प्रिंटिंग कर सकते हो, विक्टिम के बारे में या फिर अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आइए हम अब बात करते हैं वेबसाइट फुट प्रिंटिंग के बारे में। वेबसाइट फुट प्रिंटिंग ये क्या होता है? किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू टारगेट या विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिटेल निकालना। लाइक मैं आपको बता दूं, वेबसाइट से अपन डिटेल कैसे निकाल सकते हैं? वेबसाइट्स के अंदर वेबसाइट को कॉपी करके उसका डिटेल निकाल सकते हैं, वेबसाइट का जो सोर्स कोड है उसके एरर से अपन डिटेल निकाल सकते हैं, या फिर वेबसाइट से उस वेबसाइट का यूजर्स का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। लाइक डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हम उससे डिटेल को निकाल सकते हैं। अब सेकंड मेथड है ईमेल फुट प्रिंटिंग। बेसिकली ईमेल फुट प्रिंटिंग, इसका मतलब ये होता है कि ईमेल्स के जरिए टारगेट का पता लगाना। आपके पास अगर कोई ईमेल आया है या फिर कोई भी ईमेल भेजता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हो कि वो ईमेल कहाँ से आया है, उस विक्टिम का आईपी एड्रेस क्या है, देन उस विक्टिम या उस टारगेट्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ऑल ओवर, ये सारी चीजें ईमेल फुट प्रिंटिंग के अंदर आती है। जो थर्ड मेथड है सर्च इंजन। बेसिकली सर्च इंजन के थ्रू आप फुट प्रिंटिंग कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं, गूगल के थ्रू आप डेटाबेस निकाल सकते हो, टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। गूगल के अंदर डॉक्स होते हैं, देन गूगल हैकिंग टूल्स होते हैं, इस सारी चीज़ों की हेल्प से, गूगल सर्च इंजन की हेल्प से आप अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस फुट प्रिंटिंग के अंदर आता है। सर्च इंजन फुट प्रिंटिंग का प्रोसेस यही है कि अपन सर्च इंजन के थ्रू टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये फोर्थ नंबर का है डीएनएस फुट प्रिंटिंग। इसका मतलब ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। जी गाइस, डोमेन नेम के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो डीएनएस फुट प्रिंटिंग के अंदर आता है। जो फाइव नंबर का है नेटवर्क फुट प्रिंटिंग।
बेसिकली नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के अंदर मैं आपको समझा दूं, सपोज कोई एक कंपनी है या कोई एक ऑफिस है, उसका एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर जानकारी कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उस नेटवर्क के अंदर पार्टिकुलर एक पर्सन को टारगेट करके उसके बारे से जो भी जानकारी से कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं अदर वे टू गेन इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट है रिवर्स ड्रॉपिंग। जी गाइस, रिवर्स ड्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि आप पब्लिक प्लेस पे फोन पे बात कर रहे होते हैं, उस बीच आपके पास कोई ऐसा बंदा होता है जो आपके और मेरी बात को सुन रहा होता है। सपोज मैं फोन में किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और उसी बीच कोई एक बंदा, मैं अपने फ्रेंड से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ लाइक आईडी पासवर्ड यूजर नेम के बारे में उसे बता रहा हूँ, तो वो बंदा पीछे से उस चीज़ को सुन रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है, जैसे कि थर्ड पार्टी को ये चीज़ पता चलता है, ये सारा प्रोसेस रिवर्स ड्रॉपिंग के अंदर आता है। जो सेकेंड नंबर का प्रोसेस है वो है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग का मतलब, कई बार ऐसा होता है गाइस कि आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हो और उसी बीच आपके पीछे से कोई बंदा आपके सेल फोन को रीड कर रहा होता है। अगर आप अपने सेल फोन में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन कर रहे हो तो और वो बंदा पीछे से उस चीज को रीड करता है, तो ये जो प्रोसेस है शोल्डर सर्फिंग के अंदर आता है। काफी अगर डेंजरस है गाइस, आप प्राइवेसी के लिए इस चीज को ध्यान में रख सकते हो और आप इस अटैक से बच सकते हो। अब हम बात करते हैं डंपस्टर डाइविंग। इसका मतलब ये होता है कि कई बार बहुत सारे कंपनीज की ईमेल होती है, लेटर्स होती है और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है लाइक डॉक्यूमेंट आईडी पासवर्ड या फिर कोई लेटर्स होती है, ये सारी चीजें को रीड करने के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। उस डस्टबिन में डालने के बाद उस डस्टबिन को फेंक दिया जाता है। उस डस्टबिन को फेंकने के बाद जो भी कचड़े हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के कुछ ऐसे डिटेल्स होते हैं लाइक कोई लेटर्स होता है, आईडी पासवर्ड्स होते हैं, सीक्रेट डिटेल्स होते हैं, ये सारी छुपी हुई होती है। ये सारे चीज़ को एक हैकर्स कलेक्ट करता है, वहाँ से भी वो इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है ताकि वो टारगेट को फाइंड कर सकता है। ये सारी चीज़ें आती है डंपस्टर डाइविंग के अंदर। जैसा कि आज की इस क्लास में हमने जाना कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है, काफ़ी डीप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया फुटप्रिंटिंग के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। तो इस क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम जानेंगे फुटप्रिंटिंग के टूल्स क्या होते हैं, देन उन टूल्स के बारे में प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन हम देखेंगे आगे, देन जो भी केसेस थे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे से वो सारी चीज़ों को अपन प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें परफॉर्म होती है, कैसे डेटा कलेक्ट होती है। सो गाइस, फाइनली एंड में यही बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।